वेलकम टू जॉब अपडेट्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जो पब्लिक नोटिस जारी किया है 18 दिसंबर 2022 पे जारी किया है, इसमें ये कि ये उसके लिए स्पेशल सीएसएस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023, इसके लिए जो ये एमपीटी टेस्ट होगी वो 31 जनवरी 2023 होगी और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2023 है। ये स्पेशल कमीशन उन सीट्स के लिए है जिनके लिए पहले सीएसएस एग्ज़ाम हो चुके हैं मगर फिर भी वो सीट्स अभी तक वैकेंट हैं, उनके लिए ये स्पेशल सीएसएस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इनके लिए कौन से रीजन के अप्लाई कर सकते हैं? पंजाब से माइनॉरिटीज़ ओनली, केपीके से वुमेन प्लस माइनॉरिटीज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर से माइनॉरिटीज़ ओनली, सिंध से रूरल से ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट, सिंध अर्बन ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट, बलूचिस्तान ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट, एक्स फाटा ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट। इनके जो सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन सेंटर वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से एबटाबाद, गिलगित, लाहौर, कोयटा, बहावलपुर, गुजरांवाला, लारकाना, रावलपिंडी, डीजी खान, हैदराबाद, मुल्तान, सरगोधा, डीआईजी खान, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, सखर, फैसलाबाद, कराची, पिशावर, तुर्बत। एलिजिबिलिटी क्या है इस सीएसएस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए? इनके लिए जो है आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ये जो अमेंडेड वाइड एसआरओ नंबर हैं वो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। इनके लिए जो अपर एज लिमिट है विल बी 32 ईयर्स, 2 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन रूल 6(2) वुड आल्सो बी एडमिसिबल फॉर द स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम, 1 एडिशनल और द 4th चांस वुड बी एडमिसिबल। मतलब वो जिन्होंने पहले 3 बार दे चुके हैं अब वो स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं मगर वो दूसरे सीएसएस एग्ज़ाम के लिए नहीं दे सकते रेगुलर सीएसएस एग्ज़ाम के लिए। जो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल ETC इज 31 दिसंबर 2022। हाउएवर डेट शेड्यूल ऑफ रिटन पोर्शन ऑफ स्पेशल सीएसएस एग्जाम शैल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेंट मे अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रिलिमिनरी MCQ टेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 दिसंबर 2022 टू 2 जनवरी 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, चालन फॉर्म, रूल्स एंड सिलेबस फॉर CSS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट www.fpsc.government.pk। यह जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, चालन फॉर्म है, रूल्स और सिलेबस फॉर CSS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट है MPT टेस्ट के अप्लाई की वो 2 जनवरी 2023 है और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड चेक इट बिफोर फाइनल सबमिशन। डिपॉजिट ₹250 एज एग्ज़ाम फी बिफोर क्लोजिंग डेट इन नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी आर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ब्रिंग ओरिजिनल चालान फॉर्म ऑफ एग्ज़ाम सेंटर एट टाइम ऑफ अपियरिंग इन द टेस्ट। जिस दिन आपका ये टेस्ट होगा आपको ये ओरिजिनल चालान लेके आना है और इनके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको ये TCS नहीं करेंगे, वो आपको ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। इसलिए आपको रेगुलरली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। बी इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशन सेंटर वंस सेलेक्टेड शैल नॉट बी चेंज्ड। आपने अगर एक बार सेंटर सेलेक्ट कर दिया वही आपका रहेगा। मेंशन CNIC नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्टली इन ऑनलाइन फॉर्म, रॉन्ग एंट्री में लीड टू रिजेक्शन। जो आपका CNIC नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट फिल करनी है, अगर करेक्ट फिल नहीं की तो वो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। स्ट्रेट कंप्लायंस ऑफ CSS CE रूल 2019 इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज रिक्वायर्ड एंड देयर एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट इज प्रीरिक्विजिट। कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन इंटरेस्ट। FPSC हैज़ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट चीटिंग एंड अनफेयर मीन्स। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फुली अवेयर ऑफ दैट कंसिक्वेंस इन दिस रिकार्ड।
अगर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं, आप इनसे कांटेक्ट करके आप वो अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉब अपडेट्स।